सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग अपनी हिंदी क्लास के लिए रेडी होंगे। बच्चों, आज का सुविचार है, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। दैट मीन्स अगर हमें कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा करना है, तो हमें पहले मेहनत करनी होगी, है ना। और जो भी हमारे रास्ते में परेशानी आएगी, हम उसे क्लियर करते हुए जाएंगे, उसको साफ़ करते हुए जाएंगे, और तब हम अपनी जो हमारा काम है उसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम इन योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम पार्ट 6 पेड़ पौधे और हम पार्ट से क्या करेंगे, आज हम करेंगे उसकी बुक एक्सरसाइज। सो यू ऑल टेक आउट पार्ट 6 पेड़ पौधे और हम। ओके तो बच्चों, अब आप सब लोग जल्दी से अपनी बुक निकालिए। बुक में पार्ट 6 पेड़ पौधे और हम पार्ट निकालिए। ओके, आज हम उसका बुक एक्सरसाइज का वर्क करेंगे। ओके ओके बच्चों, नाउ यू ऑल टेक आउट योर हिंदी सृष्टि बुक, हिंदी पाठमाला। ओके, इन आर प्रीवियस क्लास, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या किया था बच्चों? हमने पिछली क्लास में पार्ट 6 पेड़ पौधे और हम, इस पार्ट की हमने रीडिंग कंप्लीट की थी, ठीक है। और इस पार्ट में हमने क्या जाना था बच्चों? इस पार्ट में हमने ये जाना था कि पेड़ों की क्या महत्वता है हमारी लाइफ में, पेड़ हमारी लाइफ में कितने महत्वपूर्ण हैं, पेड़ों से हमें क्या मिलता है, हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ये सब कुछ हमने इस पार्ट में पढ़ा था, है ना। कि हमें सब्जियां कहाँ से मिलती हैं, हमें फल कहाँ से मिलते हैं, सब्जी कैसे पेड़ पौधों पर लगती है और फल कैसे पेड़ पौधों पर लगते हैं। ओके बच्चों, आज हम करेंगे इस पार्ट की बुक एक्सरसाइज। सो यू ऑल टेक आउट, एंड सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर डेट एंड डे। आज के डेट है बच्चों, आज है 28 जुलाई 2021, और आज डे क्या है बच्चों? आज है बुधवार। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको मौखिक प्रश्न बता देती हूँ। इसमें से मैं 3 प्रश्न आपको बताऊंगी और एक आपको खुद सोचना है, ठीक है। और मैं इसका आंसर आपसे जो है, जब क्लास लेंगे हम, मैं क्लास लूंगी आपकी जूम पर, मैं तब आपसे पूछूंगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अर्नव और अवनी पार्क में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बच्चों? अर्नव और अवनी पार्क में खेल रहे थे। किसके बोलने की आवाज आई? पेड़ के बोलने की आवाज आई। पेड़ ने जोर से क्या कहा? बताइए, पेड़ ने जोर से क्या कहा? पेड़ ने जोर से कहा, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। अब फोर्थ क्वेश्चन है, सोच कर बताओ कि क्या पेड़ पौधे बोल सकते हैं। अब ये बात आपको सोचनी है कि पेड़ पौधे बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते। इसका आंसर मैं आपसे जूम क्लास पे लूंगी। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद है हमारे लिखित प्रश्न। ये हम अपनी कॉपी में करेंगे, इसलिए मैंने बुक में इसमें क्रॉस लगा दिया। नाउ नेक्स्ट है हमारा के बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर चुनो। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है बच्चों कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कई ऑप्शन दिए होंगे, आंसर में हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। जैसे पहला है हमारे पास, अवनी को फल और सब्जियों के बारे में किसने बताया? किसने बताया था? पेड़ ने बताया था। मम्मी ने बताया, शिक्षक ने बताया, फिर पेड़ ने बताया। किसने बताया था अवनी को? पेड़ ने बताया, बोलकर बताया, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ का भोजन कौन बनाता है? पेड़ का भोजन बताइए बच्चों, कौन बनाता है? तना बनाता है, पत्तियां बनाती हैं, या फिर जड़े बनाती हैं? तो बच्चों, पेड़ का भोजन पत्तियां बनाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखो। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है छोटे ऊ से तुम, और बड़े ऊ की मात्रा से कौन सा लिखा हुआ है? सूर्य। तो मैं पहले छोटे ऊ की मात्रा के 2 शब्द लिख रही हूँ, तुम्हें। नेक्स्ट में लिख रही हूं तुम्हारा। ओके, उसके बाद है हमारा बड़े ऊ की मात्रा से यहां पे लिखा हुआ है सूर्य।
नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ फूल, और एक मैं लिख रही हूँ यहाँ धूप। ओके नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज। अब आप आ जाइए पेज नंबर 37 पे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो बुक एक्सरसाइज में जो हमारा क्वेश्चन है ये है, इन शब्दों को पढ़ो समझो और लिखो। इन शब्दों को हमें पढ़ना है, उनको समझना है और फिर उनका समान अर्थ वाला हमें शब्द लिखना है। जैसे वृक्ष का समान अर्थ वाला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पेड़ लिखा हुआ है। कृष्ण का समान अर्थ वाला क्या शब्द होगा, गोपाल भी लिख सकते हैं, गोपाला भी लिख सकते हैं, कान्हा भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कान्हा। गृह, गृह का क्या होगा, घर। गृह होता है जो हमारा घर होता है उसको हम गृह भी कह सकते हैं। ऋतु, ऋतु होता है हमारा मौसम। नाउ नेक्स्ट ऋषि, ऋषि कौन होते हैं, जो साधु होते हैं, तप करते हैं, कौन होते हैं वो, साधु या फिर मुनि। मैंने यहाँ लिखा है बच्चों मुनि, ठीक है। नेक्स्ट है ऋषभ, ऋषभ क्या होता है बच्चों, ऋषभ मीन्स होता है बैल, सेम मीनिंग है, ठीक है। जैसे वृक्ष का पेड़, कृष्ण का कान्हा, गृह का घर, मौसम का मौसम सॉरी नाउ बच्चों देखिए ये सेम मीनिंग है, वृक्ष का पेड़, कृष्ण का कान्हा, गृह का घर, ऋतु का मौसम, ऋषि का मुनि और ऋषभ का बैल। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, दी गई वर्ग पहेली में कुछ नाम छिपे हैं, आओ ढूंढें। ये हमारे पास एक वर्ग पहेली है, इसमें क्या लिखे हुए हैं, इसमें वर्ण लिखे हुए हैं, है ना, स्वर लिखे हुए हैं। अब हमें इनमें से ढूंढ ढूंढ कर कुछ नाम निकालने हैं। कैसे नाम निकालने हैं, इसमें से हमें दो पेड़ों के नाम निकालने हैं, दो फूलों के नाम, दो जानवरों के नाम, दो पक्षियों के नाम, दो फलों के नाम, दो सब्जियों के नाम और दो अनाजों के नाम, ठीक है। तो ये आपका गृह कार्य है, ये आपको खुद से करना है। देखिए मैं आपको एक बता दे रही हूँ कि पेड़ों के नाम है, जैसे हमें पेड़ों के नाम छांटने हैं तो हम पेड़ों के नाम कहाँ से छांटेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है नीम और ये लिखा है बरगद, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया नीम और यहाँ लिख दिया बरगद, ठीक है। इसी तरह आपको ये सारे छांटने हैं, फूलों के नाम, जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम और अनाज के नाम, ठीक है। नाउ टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज पे क्या है बच्चों, पढ़ो समझो और ऊंचे स्वर में बोलिए, ठीक है। पढ़ो समझो और ऊंचे स्वर में बोलो, आप कैसे बोलोगे, जैसे यहाँ लिखा है डर, डग, डमरू, डंडा। नेक्स्ट है सड़क, घड़ा, लड़ाई, गुड़िया। नेक्स्ट है ढक्कन, ढोलक, ढकना, ढाल। नेक्स्ट है पढ़, चढ़, सीढ़ी, कढ़ाई। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है कला कौशल। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है हमारे पास, अपने आसपास के पेड़ों को देखो, पहचानो और उनके नामों की सूची तैयार करो। बच्चों ये आप नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, जीवन कौशल। जीवन कौशल में हम क्या करेंगे, देखिए आपने देखा कि कोई बच्चा स्कूल के बगीचे में फूल तोड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बच्चों, क्या आप उसके नहीं मानने पर अध्यापक से शिकायत करेंगे, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, आप डर जाएंगे, आप उसे मना करेंगे। बच्चों देखो मैंने तो इस पर टिक लगाया, किस पे, आप उसे मना करेंगे। देखो बच्चों अगर मेरे सामने कोई भी बच्चा फूल तोड़ता है, कोई भी बड़ा फूल तोड़ता है, मैं सिर्फ उसको मना करती हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और करेंगे तो आप किसी और पे टिक करिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को फूल तोड़ते हुए देखें तो हमें उसे मना कर देना चाहिए कि फूल तोड़ना अच्छी आदत नहीं है, फूल हमेशा पेड़ों पे ही सुंदर लगते हैं, है ना, और तोड़ने के बाद तो मुरझा जाएंगे, इसलिए हमें कभी फूल नहीं तोड़ने चाहिए। उसके बाद आपका सेकंड गृह कार्य क्या है, एक छायादार पेड़ का चित्र बनाकर रंग भरो।
चार्ट बनाओ और कक्षा में उसको लगाओ। आप अब हम चार्ट पे नहीं बनवाएंगे इसे और ना ही हम इसे कक्षा में लगाएंगे क्योंकि अभी हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ पर एक छायादार पेड़ का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। ओके बच्चों, सो दिस इज योर होमवर्क। एक आपका होमवर्क ये है कि आपको रंग पेड़ का चित्र बनाकर रंग भरना है और एक आपका होमवर्क ये है कि आपको वर्ग पहेली में छुपे हुए नामों को ढूंढना है। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, आप सब लोग इसका वर्क को, आपका होमवर्क है कि आप इस वर्क को कंप्लीट करेंगे और अपना गृह कार्य भी करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।